हे दोस्तों, अगर मैं बात करूं पंजाब नेशनल बैंक के पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो यहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों के अंदर बनी हुई है कि कौन सी बैंक से पब्लिक प्रोविडेंट फंड लेना चाहिए, कौन सी बैंक से नहीं लेना चाहिए, क्या हमें किसी भी सरकारी बैंक से पब्लिक प्रोविडेंट फंड लेना चाहिए या फिर डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस से जाकर के हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी ऐसा कोई जवाब है, कोई ऐसा सवाल आपके जहन में बना हुआ है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड हमें कहाँ से लेना चाहिए, क्या हम पंजाब नेशनल बैंक से पब्लिक प्रोविडेंट फंड ले सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए और कितने सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, साथ में एक उम्मीद और है कि वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक आप ज़रूर देखेंगे, अदरवाइज तो आप काम की जानकारी मिस कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं आप ही का अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर कश्यप। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल एक एलिजिबल हैं जिनके पास भी कोई भी आधार कार्ड, अगर मैं बात करूँ इंडियन आधार कार्ड है या फिर कोई आईडी प्रूफ है इंडियन, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसी भी तरह का कोई भी एक रेजिडेंस प्रूफ या दो पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो भी अरेंज कर सकते हैं, वो सभी के सभी लोग यहाँ पे पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं अकाउंट डिपॉजिट किस तरीके से किया जा सकता है, वो कर सकते हैं आप चेक के थ्रू, कैश के थ्रू, डिमांड ड्राफ्ट या फिर कैश में भी जमा करा सकते हैं। 100 रुपये का मिनिमम यहां पे अकाउंट आप खोल सकते हैं, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इसको अंदर जमा करा सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो वो 100 रुपीज़ है, जो कि एक चार्जेस के तौर पर आपसे ली जाती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस जगह की ड्यूरेशन के बारे में कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर ड्यूरेशन कितना है, कितने सालों के लिए हमें पैसा जमा करा सकते हैं, तो दोस्तों मिनिमम इसके अंदर 15 साल में आपको बताऊंगा। मैंने मिनिमम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 15 साल के लिए है, मैक्सिमम इसको आप 10 साल भी रख सकते हैं, यानी कि टोटल 25 साल भी रख सकते हैं, 20 साल भी रख सकते हैं, 30 साल भी रख सकते हैं, इवन कुछ कुछ लोग 40 साल के लिए भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकते हैं। तो मिनिमम 15 साल की एज है इसकी। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है 8% प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपको मिल रहा है, मान के चल लीजिए आपको 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि कंपाउंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ लोन एंड विड्रॉल्स के बारे में, यहाँ पे इसी पॉलिसी के ऊपर आपको लोन और विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिल जाती है। अगर कभी भी 3 साल के बाद कभी भी ऐसा लगता है कि आपको मुझे लोन की ज़रूरत है या मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो इसी पॉलिसी के ऊपर आपको लोन भी मिल जाएगा। और अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो इसी पॉलिसी को विड्रॉल भी कर सकते हैं आप, कुछ पार्शियल रिकॉर्डिंग आप यहाँ से पार्शियली अब मैं बात करूँ पैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे अकाउंट ट्रांसफ़र के बारे में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बारे में, तो यहाँ पे इसके लिए भी प्रावधान है, अकाउंट ट्रांसफ़र भी आप कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। अगर मैं बात करूँ दोस्तों प्री मैच्योर क्लोज़र की, वो भी पॉसिबल है। टैक्स बेनिफिट यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C के तहत में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है, और दोस्तों वो जो टैक्स होता है और जो इसके अंदर जो भी मैच्योरिटी आपको मिल रही है वो भी टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स आपको नहीं कटेगा। रिवाइवल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे रिवाइवल 50 रुपीज़, यानी कि पेमेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पे करते हैं, जो भी अगर 50,000 रुपये से ऊपर का अमाउंट है आपका PPF का एनुअली, तो वहाँ पे आपको 50 रुपये पे करने होंगे डिपॉजिट के ऊपर, अगर लेट हो जाते हैं तो। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई इशू नहीं है, वहाँ पे अगर आपका 50,000 से नीचे है तो उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी पड़ेगी लेट फी के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ नॉमिनेशन के बारे में, तो यहाँ पे नॉमिनेशन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इस अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ आप नॉमिनेशन भी ऐड कर सकते हैं इस अकाउंट के अंदर, वो भी बहुत ही आसानी से। इसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कागजी कार्रवाई या किसी भी अलग से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्म के अंदर नॉमिनी मैंशन करना होगा कि किसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पब्लिक प्रोविडेंट से जुड़ी ये सारी की सारी डिटेल्स आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोज़ लेकर के आता रहता हूँ। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।